गुड इवनिंग। एक बार एक माँ एक ऊंचे बेंच पर बैठकर अपना कढ़ाई का काम कर रही थी। रिंग के अंदर कपड़ा लगाकर वो बहुत ही मस्ती में सुई धागे से खेल रही थी उस कपड़े के ऊपर और साथ साथ गुनगुना रही थी। बार बार उसका ध्यान फ्लोर पर चटाई पर खिलौने बिखेर कर खेलते हुए अपने बच्चे की तरफ भी जा रहा था। बीच बीच में वो बच्चा बार बार उससे कुछ पूछता, कुछ बनाता, उसको दिखाता तो वो अपनी उस बेंच पर बैठ कर ही उसकी बात का जवाब देती, बहुत ही आनंद के साथ उसकी खेल में शामिल हो रही थी और साथ साथ बड़े ही मगन होकर अपना कढ़ाई का काम कर रही थी। बीच बीच में बच्चा ज़िद कर रहा था कि मम्मा मेरे पास नीचे आके बैठो, मेरे खिलौनों के साथ खेलो, मेरे को ये बना कर दिखाओ। तो वो बार बार उसको प्यार से लाड से समझा कर अपने काम में फिर से मगन हो जाती कि मैं देख रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम ये करो। थोड़ी देर में बच्चे को थोड़ा इरिटेशन होने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ उसकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने उस काम में ध्यान दे रही है। तो उसने खिंच कर पूछा कि माँ आप ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? तो उसने माँ ने बोला कि मैं कुछ कढ़ाई कर रही हूँ बेटा, इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, बहुत सफाई से काम करना पड़ता है। तो वो नीचे बैठकर झांक कर देखने लगा कि माँ क्या कर रही है। तो ऑब्वियसली रिंग में लगे हुए उस कपड़े के दूसरी तरफ उसे एक मैसी सा स्ट्रक्चर, धागों का उलझा हुआ एक जाल सा दिखाई दिया और उसने बोला, क्या है आप ये इतने गंदे से काम के लिए मेरे साथ खेलने के लिए मना कर रहे हो, ये तो कोई अच्छा काम नहीं दिख रहा। व्हाट यू आर डूइंग, इट इज़ ऑल मैसी। तो माँ ने उसे प्यार से हाथ पकड़ के उठाया और उसको ऊपर गोदी में आने के लिए बोला। और जब गोदी में आकर ऊपर चढ़कर उस बच्चे ने उस डिज़ाइन को देखा तो वो हैरान रह गया। सुंदर रंगों में फूल, साफ सुथरे पैटर्न में बने हुए और उसके ऊपर रंग बिरंगी तितलियाँ, रंग बिरंगे धागों का एक सुंदर सा पैटर्न। अब उसे वो एक कलरफुल ब्यूटीफुल पैटर्न लगा जब उसने माँ की साइड से देखा, उसके पर्सपेक्टिव से उसकी तरफ से देखा। लेकिन जब वो अपने पर्सपेक्टिव से अपनी साइड से देख रहा था तो उसे वो धागों का एक उलझा हुआ जाल, एक मैसी क्राउड लग रहा था फॉर कलरफुल थ्रेड्स। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्वीन सैनी, काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट आर हेल्पलेस सिचुएशंस, ओवरवेलमिंग कंडीशंस एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस इन आर लाइव्स, इज़न्ट इट? जब भी हम कभी अपनी ज़िंदगी से परेशान, निराश होते हैं या अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें जिनका हमें अभी पता ही नहीं होता या जिन्हें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, तो वो हमें मैसी, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई, उलझी हुई दिखती हैं। वो कलरफुल धागे ज़िंदगी के भी हमें एक बहुत ही उलझन भरा जाल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इसी टफेस्ट मोमेंट्स में टाइम होता है हमारा थोड़ा सा माइंड सेट और परस्पेक्टिव चेंज करने का, हमें अपना करेक्टर फॉर्म करने का, हमें ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखने का। हमेशा जब भी ज़िंदगी में मुश्किल समय आए तो रिमाइंड योर सेल्फ, दिस विल नॉट ब्रेक मी, दिस विल नॉट मेक मी मैसी, दिस विल मेक मी, दिस विल मेक मी क्लियर, दिस विल मेक मी स्ट्रांग, दिस विल मेक मी मोर कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक दैट अपसाइड पैटर्न जिसका दूसरा साइड हमें बहुत ही उलझा हुआ लगता है। हमेशा हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कोई स्ट्रगल, कोई भी क्रांति हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी मोटिव हो हमारी ज़िंदगी में जो बहुत कठिन हो, जो पूरा होता हुआ ना दिखाई दे रहा हो, तो उसमें या तो आई विल सर्वाइव और आई विल थ्राइव। और हमेशा हमें एक ही चॉइस लेनी चाहिए, चूज़ टू थ्राइव। सबसे ज़्यादा मैं यंगस्टर से ये बात कहूँगी कि जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल चैलेंज आता है, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आपके पास संसाधनों का, रिसोर्सेज का जुगाड़ नहीं हो रहा है, आप एक सिचुएशन से खुश नहीं हो, चाहे वो आपके पढ़ाई है, रिजल्ट्स हैं, करियर है, जॉब है,
फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो आपने सबसे पहले यही सोचना है, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, हु आर यू फाइटिंग फॉर, हु आर यू स्ट्रगलिंग फॉर, फाइंड योर व्हाई. Why I am not happy? Why I want to do different? Why I am not happy with this thing? Why I want to take some alternative? And then break your comfort zone. हमेशा सिर्फ अपने नज़रिए, अपने perspective से नहीं, अपने comfort zone से नहीं, ज़िंदगी को किसी दूसरे नज़रिए से भी देख के देखिए. और उसके बाद ये आपकी जो लड़ाई है, it won't be fight for survival. It will be for revival. You will revive, you will bounce back, you will live your life in a different, another way. Beautiful perspective, beautiful mindset, and many, many, many more happy moments you can rejoice in your life. So, there should be no quit moment in our life. There should always be a feeling of thriving and feeling of fighting back with revival mode. So, God bless you all. Thank you so much for listening me all the time and giving your all the positive, appreciating, inspiring and incredible effort feedbacks. So I will try to keep up with my efforts to share my thoughts, my views with beautiful stories with all of you. Swasth rahiye, vyast rahiye, mast rahiye. Thank you so much. God bless you all.